चिड़िया की सीख। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके महल में बहुत खूबसूरत बगीचा था। बगीचे की देखरेख की जिम्मेदारी एक माली के कंधों पर थी। माली पूरा दिन बगीचे में रहता और पेड़ पौधों की अच्छे से देखभाल किया करता था। राजा माली के काम से बहुत खुश था। बगीचे में एक अंगूर की एक बेल लगी हुई थी, जिसमें ढेर सारे अंगूर फले हुए थे। एक दिन एक चिड़िया बगीचे में आई। उनसे अंगूर की बेल पर फले अंगूर चखे। अंगूर स्वाद में मीठे थे। उस दिन के बाद से वह रोज बाग में आने लगी। चिड़िया अंगूर की बेल पर बैठती और चुन चुन कर सारे मीठे अंगूर खा लेती। खट्टे और अधपके अंगूर वह नीचे गिरा देती। चिड़िया की इस हरकत पर माली को बड़ा क्रोध आता। वह उसे भगाने का प्रयास करता, लेकिन सफल नहीं हो पाता। बहुत प्रयासों के बाद भी जब माली चिड़िया को भगा पाने में सफल नहीं हो पाया, तो राजा के पास चला गया। उसने राजा को चिड़िया की पूरी कारिस्तानी बता दी और बोला, महाराज, चिड़िया ने मुझे तंग कर दिया है। उसे काबू में करना मेरे बस के बाहर है। अब आप ही कुछ करें। राजा ने खुद ही चिड़िया से निपटने का निर्णय किया। अगले दिन वह बाग में गया और अंगूर की घनी बेल की आड़ में छुपकर बैठ गया। रोज की तरह चिड़िया आई और अंगूर की बेल पर बैठकर अंगूर खाने लगी। अवसर पाकर राजा ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा की पकड़ से आजाद होने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ रहा। अंत में वह राजा से याचना करने लगी कि वो उसे छोड़ दें। राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब चिड़िया बोली, राजन, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की चार बातें बताऊंगी। राजा चिड़िया पर क्रोधित था, किंतु इसके बाद भी उसने यह बात मान ली और बोला, ठीक है, पहले तुम मुझे ज्ञान की वो चार बातें बताओ। उन्हें सुनने के बाद ही मैं तय करूंगा कि तुम्हें छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं। चिड़िया बोली, ठीक है राजन, तो सुनो। पहली बात, कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने मत दो। ठीक है, और दूसरी बात? राजा बोला, दूसरी ये है कि कभी किसी असंभव बात पर यकीन मत करो। चिड़िया बोली, तीसरी बात, बीती बात पर पछतावा मत करो। और चौथी बात, राजन, चौथी बात बड़ी गहरी है। मैं तुम्हें वो बताना तो चाहती हूँ, किंतु तुमने मुझे इतनी जोर से जकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो तो मैं तुम्हें चौथी बात बताऊं। चिड़िया बोली, राजा ने चिड़िया की बात मान ली और अपनी पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली होने पर चिड़िया राजा एक हाथ छूट गई और उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गई। राजा उसे ठगा सा देखता रह गया। पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी चिड़िया बोली, राजन, चौथी बात ये कि ज्ञान की बात सुनने भर से कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें ज्ञान की तीन बातें बताई, जिन्हें सुनकर भी आपने उन्हें अनसुना कर दिया। पहली बात मैंने आपसे ये कही थी कि हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ना, लेकिन आपने अपने हाथ में आए शत्रु अर्थात मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात ये थी कि असंभव बात पर यकीन मत करें, लेकिन जब मैंने कहा कि चौथी बात बड़ी गहरी है तो आप मेरी बातों में आ गए। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती बात पर पछतावा न करें और देखिए, मेरे आपके चंगुल से छूट जाने पर आप पछता रहे हैं। इतना कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई और राजा हाथ मलता रह गया। सीख। मात्र ज्ञान अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वो होता है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है। जीवन में जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, किंतु वर्तमान हमारे हाथों में है। आज का वर्तमान कल के भविष्य कल का निर्माण करेगा, इसलिए वर्तमान में रहकर कर्म करें और अपना भविष्य बनाएं।